आप मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और मैग्नेटाइजेशन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि मैग्नेट आखिर किस तरह का होता है। हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि ये किसी भी ऐसे मटेरियल को जिसके अंदर इसी की तरह की जो है प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट जो है हमेशा इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट की ये शेप जो है ये बार मैग्नेट कहलाती है। इसी तरह मैग्नेट की जो यू शेप होती है इसे हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट भी कहते हैं। इसमें भी दो पोल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अक्सर मैग्नेट के अंदर क्या किया होता है कि जो पोल्स हैं उन्हें वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया होता है और बाकी सारा का सारा रेड कलर से रिप्रेजेंट किया होता है। और जो वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। दो पोल्स का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसके पास कोई भी मैग्नेट लाएँ, यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, एक दूसरा मैग्नेट ला रहे हैं, अगर उसका यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपके पास कोई से दो सेल्स हों, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ नेगेटिव, और आप यहाँ पर भी लाकर एक पॉजिटिव अटैच कर दें तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जो है सिमिलर चार्जेस कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन के रूल के ऊपर देखा जाए तो बेसिकली हमारे एटम का स्ट्रक्चर भी स्टेबल है, क्योंकि दरमियान में पॉजिटिव होता है और साइड पे जो देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनके दरमियान अट्रैक्शन की वजह से ही जो एटम है उसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल है। अगर ये भी आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन ना रखते हों तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा। इसी तरह से स्टेबिलिटी के लिए या अट्रैक्शन के लिए डिफरेंट चार्जेस का होना ज़रूरी होता है। ये हमारे पास जो है वो मैग्नेट है, मैग्नेट हमेशा ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर इसके पास कोई सा भी ऐसा मटेरियल ले आते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लेट है, इसके अंदर कुछ आयरन जो है वो आयरन पाउडर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप अगर यहाँ पर बार मैग्नेट लाते हैं तो आप देखेंगे ये सारा का सारा आयरन जो है इस बार मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है। इसके साथ अटैच इसलिए होता है क्योंकि इस मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, वो इसके साथ सिमिलर है। मैग्नेट हमेशा उन्हीं चीज़ों को अपने साथ अटैच करेगा, अट्रैक्ट करेगा जिसके अंदर उस जैसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हूँ। एक मैग्नेट कभी भी प्लास्टिक या रबर से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर उस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती। सिमिलरली अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर आपके पास कोई एक वायर हो, इस वायर के अंदर से करंट पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि मैं इसकी ये वायर को जो है यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से इस तरीके से कनेक्ट कर देती हूँ। ये इस तरह से रोड है, रोड बल्कि इसे यूँ कर लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। ये एक रोड है, जब मैंने इसे यहाँ पर अटैच कर दिया बैटरी के साथ तो अब इसके अंदर से जो है करंट पास कर रहा है। इसे आप वायर भी कह सकते हैं, रोड भी है, ये कॉइल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ये मेटल की बनी हुई है। अब जैसे ही मैंने इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो होता क्या है कि इसके अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाता है। जैसे ही करंट इसके अंदर से पास होना शुरू होता है तो इसकी साइड पर जो है मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं इस तरीके से। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा कि जो मैग्नेट होता है, ये मैट्रिक में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कंपास नीडल के साथ कि अगर ये आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल तो हर मैग्नेट के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रीजन है जहाँ तक किसी भी मैग्नेट का इफेक्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं ये जो एग्जांपल आपको समझाने जा रही हूँ उसके लिए पहले ही समझाना ये ज़रूरी था कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी मैग्नेट पड़ा हुआ है और ये उससे प्रोड्यूस होने वाली फील्ड है, अगर मैं इस फील्ड के अंदर कोई भी मटेरियल ला के रख लूँ, जैसा कि यहाँ पर मैं अगर आयरन का एक पीस ला के रख लूँ, तो आयरन का पीस उस वक्त तक इसके साथ अट्रैक्ट होता जाएगा जब तक कि ये आयरन का पीस इसकी फील्ड के अंदर है। यानी कि अगर आप एक यूँ करते हैं कि इसको आयरन के पीस को जो है काफ़ी दूर यहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पर इस बार मैग्नेट की फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इसको अपनी तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन होता है जहाँ पर किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही होती है। उसके अंदर आप किसी भी मटेरियल को किसी भी डिस्टेंस पे उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो मैग्नेट है उसके ऊपर अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इफेक्ट डालता रहता है, और वो जो मटेरियल होता है वो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर होता है। तो इस तरह की जो लाइन्स आप ड्रॉ करते हैं या जो लाइन्स हमें नज़र आती
जाती हैं सोलेनाइड कॉइल में या बार मैग्नेट के अंदर, ये सब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि ये हमारे पास एक रॉड है जिसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और इसके अंदर से अब करंट पास कर रहा है। जब भी किसी वायर को, किसी रॉड को या किसी भी आयरन की कोई भी या मटेरियल की बनी हुई रॉड है जिसको आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जोड़ दिया है और उसके अंदर से बाकायदा करंट गुजर रहा है, तो होता ये है कि उसकी साइड पर सर्कुलर टाइप की जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाती है ना, सर्कुलर पाथ, जो कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि अब इस कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब दूसरी बात ये पैदा होती है कि हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आखिर किसी भी मटेरियल में आती कब हैं या ये प्रोड्यूस कब होती हैं? हमें मालूम है कि अगर हम ये एटम का स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के अराउंड जो है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, जैसे कि आप फर्ज कर लीजिए कि ये हमारे पास सन है। आपको मालूम है कि सन के अराउंड जो है हमारी अर्थ ऑर्बिट में जो है मूव कर रही है, ये हमारा सन है और इस सन के अराउंड इस तरीके से ये एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में हमारे ये अर्थ जो है मूव कर रही है। आपको मालूम है कि अर्थ जो है दो तरह की मोशन करती है, एक जिसे हम लोग कहते हैं कि ये स्पिन मोशन है जो कि इस अर्थ के अराउंड अपने एक्सिस होती है, ये अपने एक्सिस के अराउंड जो मोशन शो कर रही होती है उसे हम लोग कहते हैं कि स्पिन मोशन है। दूसरी मोशन वो जो ये हमारी अर्थ इस ऑर्बिट के अराउंड करती है, यानी कि सन के अराउंड करती है और इस ऑर्बिट में मौजूद रहते हुए करती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये ऑर्बिटल मोशन है। यानी कि हमारी अर्थ भी दो तरह की मोशन शो करती है, इस बात से तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। सिमिलरली जैसे हमारी अर्थ दो तरह की मोशन करती है, इसी तरह हमारा जो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के अराउंड इसी तरह से मोशन करता है। आप यूँ कंसिडर कर लीजिए कि ये जो अर्थ है, ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये हमारे पास सन है, सन के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारी अर्थ है। इस इलेक्ट्रॉन ने भी अर्थ की तरह दो तरह की मोशन शो करनी है, एक अपने एक्स के अराउंड जिसे स्पिन मोशन कहते हैं और दूसरी इस ऑर्बिट के अराउंड जिसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। मेटल के अंदर लातादाद एटम्स होते हैं और हर एटम के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन शो करता है, ऑर्बिटल और जो है स्पिन। इस ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से हर एटम जो है एक अलग-अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और एज अ होल पूरे एटम वो जो है आपके पास मटेरियल उसके ऊपर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब जो है वो दो तरह की मोशन शो कर रहा है और जब भी दो तरह की मोशन शो होती है किसी भी मटेरियल के अंदर तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने इसको इसके साथ अपने ये जो वायर थी इसको आपने सर्किट के साथ अटैच किया, आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ गए। जैसे ही वो मोशन करने लगते हैं उनके अंदर जो है उनके मोशन की वजह से ही तो करंट को पैसेज मिलता है। जैसे वो मोशन करते हैं तो वो इन दोनों मोशन को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाती है। हम कहते हैं कि इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब अगर मैं ये बात करूँ कि ये मेरे पास एक मटेरियल है, लेट्स से कि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इस मटेरियल को मैं इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, इवन इतना डिवाइड करती चली जाऊँ और इसको मज़ीद पार्ट्स में भी डिवाइड करूँ, तो ये जो छोटा पार्ट भी होगा ये भी दो पोल्स रखता होगा जिनमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी मैग्नेट आइसोलेटेड नॉर्थ रखे या आइसोलेटेड पोल रखे, वो आइसोलेटेड साउथ रखे। यानी कि किसी भी मैग्नेट के लिए मस्ट है कि उसको चाहे आप कितने भी छोटे पार्ट में क्यों ना डिवाइड कर लें, वो दो पोल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। नॉर्थ पोल भी उसके पास होगा और साउथ पोल भी उसके पास होगा, क्योंकि ये दोनों पोल जो हैं ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं कि हर मैग्नेट हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी एक अलहदा पोल या एक तनहा पोल नहीं रख सकता या आइसोलेटेड नॉर्थ नहीं रख सकता या आइसोलेटेड साउथ नहीं रख सकता, उसे ये दोनों पोल्स रखने पड़ते हैं और हर मैग्नेट के छोटे से छोटे पार्ट के अंदर भी ये दोनों पोल्स होते हैं।
अब इसी मैग्नेटाइजेशन की बेस पे हम लोगों ने मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया है। सबसे पहली जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो कैटेगरी ऐसी है जिसे जिसमें क्या होता है कि ये हमारे पास अगर एटम है, हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है कि इसकी जो स्पिन मोशन है वो और इसकी ऑर्बिटल मोशन इस तरीके से कि एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, इस तरह से ऑपोजिट होती है कि ये एक दूसरे के अंदर अगर ऐड की जाए तो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसल कर देती है, जिसकी वजह से मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना होने के बराबर हो जाती है। तो हम लोग ऐसे मटेरियल जिसके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे के अंदर ऐड की जाए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें तो उस मटेरियल के अंदर जो है वो डी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी आ जाती है। हम उसे कहते हैं कि ये डाई मैग्नेटिक मटीरियल है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इसकी जो परमेबिलिटी है वो हमेशा लेस देन वन होती है, मतलब कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिससे मैं अगर इसके इसके अराउंड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल जो है एक फील्ड अप्लाई करूँ तो अगर ये इसकी मोशन है इसकी डोमेन्स की इस तरीके से अगर इनकी मोशन है तो जो मैं फील्ड अप्लाई करूंगी उसकी मोशन इसके हमेशा ऑपोजिट आएगी इस तरीके से, तो एक दूसरे को ये इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि इनको ऐड अप किया जाए तो आंसर जो है हमारे पास ज़ीरो आता है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि आपके पास नॉर्मल कंडीशन में जो डोमेन्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं और जैसे ही नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड कोई भी अप्लाई कर दें किसी भी मटेरियल के साथ उसे किसी फील्ड के अंदर ले आए तो ये इस तरह से अरेंज हो जाती हैं उस फील्ड के ज़ेरे असर। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि ये फील्ड जो है इसके ऑपोजिट ही अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड हटाते हैं तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। इनकी परमेबिलिटी भी लेस देन वन होती है और इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, इसलिए हम इसे डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी में रखते हैं। दूसरी बात ये कि हम लोगों के पास जो मटेरियल होता है जिसकी बेस पे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं कि हम किस बेस पे मैग्नेटिक मटेरियल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो बेसिकली जो है इसकी डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स जो है वो रीजन होते हैं जिसके अंदर लातादाद एटम्स होते हैं, यानी कि ये इस तरह से आपके पास डोमेन होती हैं, ये एक दूसरे से इस तरीके से सेपरेट होती हैं। इसे डोमेन वॉल के ज़रिए एक दूसरे के साथ सेपरेट किया जाता है, यानी कि हर डोमेन दूसरी डोमेन से एक डोमेन वॉल्स के ज़रिए सेपरेट होती है और हर डोमेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डोमेन्स जो है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना की जाए इस तरह से रैंडम ऑर्डर में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं तो ये जो डोमेन्स हैं ये बिल्कुल अपने आप को अलाइन कर लेती हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की इंक्रीज़ हो जाती हैं क्योंकि जो डोमेन्स हैं वो जस्ट लाइक अ टाइनी मैग्नेट एक्ट करती हैं। तो एक मटेरियल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स होती हैं, जब वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो मटेरियल की जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर जाती हैं। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है हमारी दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ये एटम है आपके पास और इस एटम के अराउंड इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दो तरह की मोशन पॉज करेगा, एक स्पिन मोशन और दूसरी ऑर्बिटल मोशन। ये दोनों मोशन आपस में इस तरह से लिंक होती हैं कि ये एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, इस तरीके से ये मोशन होती हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ चलती हैं, जैसे कि हमारी अर्थ स्पिन भी कर रही है और ऑर्बिटल भी कर रही है, एक दोनों मोशन जो है वो अर्थ कोऑपरेट कर रही है, अर्थ अपनी स्पिन मोशन को भी मेंटेन रखती है और ऑर्बिटल मोशन को भी। सिमिलरली ये क्या होते हैं कि जिस डायरेक्शन में स्पिन मोशन मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन की उसी डायरेक्शन में ऑर्बिटल भी मूव करना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डोमेन्स हैं वो इस तरीके से रैंडम ऑर्डर में हैं, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। जैसे ही आप इस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं डोमेन्स अपने आप को उसी की जो है फॉर्म में
उसी की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है, अपने आप को ऑर्डर कर लेती है। तो ये जो है फेरा मैग्नेटिक मटीरियल में इस तरह से हमें फ़ायदा होता है कि जो हम लोगों की डोमेन्स होती हैं या जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल आ जाती है, उसके ऑपोजिट नहीं जाती, जिसकी वजह से मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ मज़ीद एक्सटेंड कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। टेम्परेचर जो है इफ़ेक्ट इस तरीके से करता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके जो है डिफरेंट एरियाज़ में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है कोर की एक बनी हुई मटेरियल की वायरिंग हुई होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोर है। इस तरीके से ये जो वायरिंग हुई हुई है ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो पढ़ के उसके बाद हम लोग जो है वो मटेरियल्स की कोरिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो हिस्टेरेसिस लूप की बेसिस पे करते हैं, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर लगाया होता है इसकी ना एक लिमिट होती है। अगर हम इसे इससे ज़्यादा हीटअप कर दें तो आप सुनते हैं अक्सर कि आपका ट्रांसफार्मर उड़ गया है या उसकी जो वायरिंग है वो ख़राब हो गई है, उसे चेंज करने के लिए जो है वापस से आप लोग जो है वो कॉल करके उन्हें बुलाते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो तब्दील कर दिया जाए। वो ट्रांसफार्मर की जो वायरिंग है वो इसी वजह से सड़ती है या इस वजह से वो ख़राब हो जाती है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी एक लिमिट होती है हीट को बर्दाश्त करने की। जैसे ही हीट आप उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो है थर्मल मोशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। थर्मल मोशन इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अलाइनमेंट में नहीं रख सकते, वो उस फील्ड की अलाइनमेंट में नहीं रख सकते जो फील्ड उनके ऊपर एक्सटर्नली अप्लाइड की जा रही है। इलेक्ट्रॉन चूँकि आपको पता है जबकि थर्मली मोशन करने लगे, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगे, तो वो आपस में जो है अलाइन नहीं रह सकते, वो एक दूसरे को वापस जो है रैंडम ऑर्डर में आ जाते हैं जैसे कि वो पहले नॉर्मल कंडीशन में थे। जैसे ही टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ करने से क्या होता है? तो होता ये है कि लेट्स से कि मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपके पास जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, इसको आपने हीटअप किया और इतना ज़्यादा हीटअप किया कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम होना शुरू हो गए। पहले वो अरेंज थे, बाद में वो रैंडम होना शुरू हो गए। इस टेम्परेचर से पहले यहाँ पे एक टेम्परेचर था जिससे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अरेंज थे इस डायरेक्शन में। जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी वेरी कर जाती हैं, इलेक्ट्रॉन के थर्मल मोशन इतनी इंक्रीज हो जाती है कि डोमेन्स जो हैं वो एक दूसरे को अलाइन नहीं रख सकती, एक्सटर्नली अप्लाइड की हुई मैग्नेटिक फील्ड में वो जो है वो अलाइन नहीं रह सकती, तो ये जो टेम्परेचर है इसे हम लोग कहते हैं कि ये कार्य टेम्परेचर है, TC। टेम्परेचर होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसके आने से पहले कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही रहता है, लेकिन उसके आने के बाद जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चल जाता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जो है डोमेन्स होती नहीं, कुछ होती हैं ज़्यादा नहीं होती, और वो अपने आप को अलाइन नहीं रख सकते। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं लेकिन अभी पहले हम लोग इस टेम्परेचर को देख लें। इस टेम्परेचर के आने से पहले मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही था, उसके अंदर डोमेन्स भी अलाइन थी, उसकी परमेबिलिटी भी ग्रेटर देन 1 होती है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे ही टेम्परेचर केयर टेम्परेचर पे पहुंचता है तो आपका मटेरियल बर्न कर जाता है, क्योंकि आप जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की थर्मल मोशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं, उसका ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर हो चुका है, वो आपस में जो है अलाइन नहीं रह सके, तो उसके बाद जो आपका मटेरियल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तब्दील हो जाता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है कोऑपरेट तो नहीं करती लेकिन एक दूसरे को काफ़ी हद तक सपोर्ट करती हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं करती, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी नहीं करती लेकिन काफ़ी हद तक सपोर्ट ज़रूर करती हैं। अब क्या होता है कि अगर इनकी मैं डोमेन्स की बात कर लूँ कि इनके अंदर भी कुछ डोमेन्स होती हैं लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम डोमेन्स जो एग्जिस्ट ही हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर करती हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका जो ऑर्डर है वो 10^12 से 10^16 होता है, जो डोमेन्स का ऑर्डर है वो इतना होता है। और ये जो है किसी भी मटेरियल्स के अंदर जो है बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होती हैं
और उनमें मैग्नेटाइजेशन सेचुरेशन प्रोड्यूस करती है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन डोमेन्स की वजह से होते हैं। इसीलिए हम लोग जो है अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ही क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन पहले हम लोग पैरामैग्नेटिक को देख लें कि जैसे ही अगर ये नॉर्मल कंडीशन में यूँ है तो जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये उसके भी ऑपोजिट इस तरीके से होती है, पैरेलल नहीं आती, लेकिन काफ़ी हद तक डायमैग्नेटिक मटेरियल से बेटर होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, परमेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन वन होती है, लेकिन जैसे कि फेरामैग्नेटिक मटेरियल है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके अंदर परमेबिलिटी ज़रूर है, ग्रेटर देन वन भी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, लेकिन फेरामैग्नेटिक मटेरियल से ज़रा कम है। इसकी एग्जांपल में आप कंसिडर कर सकते हैं, आपके पास एल्युमिनियम आ सकता है, प्लांटेनियम आ सकता है, दोनों ही इसकी कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। अब हम लोग ये देख रहे थे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का हमारे पास फ़ायदा क्या है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में अभी हम लोगों ने बात की, उसके पास डोमेन बिल्कुल ही नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसकी जो है स्पिन मोशन, उसके इलेक्ट्रॉन्स की या ऑर्बिटल और जो स्पिन है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से एडअप होती है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। मतलब कि उन्होंने ही कैंसिल कर दिया तो मैग्नेटाइजेशन तो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। आपको मालूम है कि मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन का होना मस्ट है। उन्हीं मोशन की वजह से जो है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होती है। अगर किसी मटेरियल में वो ही ज़ीरो हो जाए तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो रख ही नहीं सकता। फिर हमने बात की कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डोमेन्स की बेसिस पे जो है कैटेगराइज़ करते हैं। डोमेन्स जो है वो रीजन्स होते हैं जिनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों तरह के मोशन कर रहे होते हैं, और जो डोमेन है वो एज अ टाइनी मैग्नेट जो है एक्ट करती है। जब भी इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है तो इसकी डोमेन्स जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेती हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और डोमेन जो है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चले गए, यानी कि दोनों चीज़ें जो है पैरेलल आ गई इस तरीके से, तो हम कहेंगे कि ये मटेरियल जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर हमारे पास डोमेन्स जो है वो मैक्सिमम होती हैं। मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि उसके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो एक दूसरे को काफ़ी हद तक कोऑपरेट कर रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही है, जिसकी वजह से उस मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो ज़रूर थी मगर बहुत ही ज़्यादा हो गई, जिसे आप कह सकते हैं कि बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स में आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को ही प्रेफर करते हैं जहाँ पर आपको मैग्नेटिक सेचुरेशन भी चाहिए और मैग्नेटिक मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी रिक्वायर्ड हो, वहाँ पर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ही यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर में यूज़ कर दिया, किसी भी वायरिंग में जहाँ अच्छे मटेरियल में कंस्ट्रक्शन के लिए आपको चाहिए हो वहाँ पर आप जो है फेरोमैग्नेटिक को ही यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करती हैं? एक तो उसकी रीज़न डोमेन्स की वजह से हो जाती है और सेकंड इसकी हिस्टेरेसिस लूप की वजह से भी है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने बात की थी कि टेम्परेचर का भी मैग्नेटिक के ऊपर इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। वो इस तरीके से होता है कि हर मैग्नेटिक मटेरियल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेम्परेचर को बेयर करने की। डायमैग्नेटिक मटेरियल तो बिल्कुल है ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ना, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब इसके फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फोर्स लगाएं तो वो चीज़ उसे बेयर नहीं कर सकती। सिमिलरली जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, एक हद से ज़्यादा यूसेज भर गया है उस चीज़ का, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी थर्मल मोशन इस कदर इंक्रीज़ हो जाती है कि उसकी जो डोमेन्स है जो अलाइन थी, जो ऑर्डर में थी, वो आपस में डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं। वो इस तरह डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं कि वो जो अप्लाइड की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर वो डोमेन अलाइंड हुई थी वो उसे निग्लेक्ट कर देती हैं, वो उसकी इफेक्ट को बर्दाश्त ही नहीं करती। तो वो टेम्परेचर जो है हमारे पास करेक्ट टेम्परेचर कहलाता है। जैसे ही डोमेन नॉर्मल कंडीशन में आते हैं या डिसऑर्डर हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि अब इसके अंदर जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ज़रूर रखते हैं, आपस में कैंसिल आउट भी नहीं करते लेकिन एक दूसरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, थोड़ी हेल्प वो उसकी कर देता है, थोड़ी वो उसकी, जैसे कि सपोर्ट होती है एक दूसरे के साथ तो वो उसको कर देते हैं। ये कुछ इसकी परमेबिलिटी भी ग्रेटर देन वन होती है, कुछ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक से जो पैरामैग्नेटिक है उससे थोड़ी सी कम प्रॉपर्टीज़ ये रखते हैं जो कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं।
फेरो और पैरा मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उनकी दो हमारे पास जो है एग्जांपल्स ले लें, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने पैरा में लिया एलुमिनियम और प्लैटिनियम, सिमिलरली हम लोग जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए आयरन निकल कोबाल्ट को लेते हैं, और जो हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें हम लोग कॉपर बिस्मिथ और एंटीमनी को लेते हैं। हम लोग जो बार बार डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, डोमेन को हम इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि डोमेन की बेसिस पर ही हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है।